वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी स्टूडेंट्स, असी लास्ट लैक्चर दे विच एटोमिक रेडियस दे बारे पढ़िया सीगा, ठीक है। आज दे लैक्चर विच असी आयनाइजेशन एनर्जी दे बारे डिस्कस करांगे, ठीक है। फर्स्टली स्टूडेंट्स, सानू सारिआं नू पता है कि कोई भी एटम है, ठीक है, उहदे सेंटर दे विच असी मानदे कि न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस ते किहड़ा चार्ज हुंदा है? पॉजिटिव चार्ज, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोन्स इन द न्यूक्लियस। और इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के दुआले रिवॉल्व करते हैं। हुण की हुंदा बेटा, जदों भी दो चार्ज्ड बॉडीज है, ठीक है, तुसी फिजिक्स के विच भी पढ़िया कि उन्हां दे विच एक फोर्स जिहड़ी एग्जिस्ट करती है, दैट फोर्स इज इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हुण इत्थे दो अपोजिट चार्ज है, एक नैगेटिव है, क्योंकि इलैक्ट्रॉन तो नैगेटिव चार्ज हुंदा है, प्रोटोन्स ते पॉजिटिव चार्ज हुंदा है, दो अपोजिट चार्ज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिहड़ी है वो एग्जिस्ट करेगी। एंड द फार्मूला ऑफ दैट फोर्स इज के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्केयर, वेयर के इज कॉन्स्टेंट। क्यू वन इज चार्ज ऑन द फर्स्ट बॉडी, क्यू टू इज चार्ज ऑन द सेकेंड बॉडी, एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। हुण बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी होंगी की है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द वेलेंस शैल इलैक्ट्रॉन। किहड़ा इलैक्ट्रॉन रिमूव करना? वेलेंस शैल इलैक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैशियस एटम टू इनफिनिटी। हुण की करना बेटा? तीन कंडीशनज है, जिहड़ा एटम है जिहदे विचों तुसीं वेलेंस शैल इलैक्ट्रॉन रिमूव करना, दैट एटम शुड बी आइसोलेटड। आइसोलेशन वर्ड तुसीं सुनिया, हुण तक कोविड 19 दे केसिस दे विच तुसीं सुनिया कि पेशेंट नूं आइसोलेट कर दिता जांदा, मतलब इकल्लियां रख्या जांदा, किसी नूं मिलण नहीं दिता जांदा। सिमिलरली असीं एटम नूं आइसोलेट करना, अलग कर लेना। न्यूट्रल होना चाहिए एटम, कोई चार्ज एटम ते नहीं होना चाहिए, ना तो पॉजिटिव ना ही नैगेटिव। और एटम किहड़ी स्टेट विच होना चाहिए बेटा? गैशियस स्टेट दे विच। और ये तीनों कंडीशनस फुलफिल करते एटम दे विचों असी अगर वेलेंस शैल इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना है तो किन्नी एनर्जी सानू चाहिए है? दैट एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। बेटा देखो, सपोज करो साढ़े को एक मैटल एटम है, असी उहदा वेलेंस शैल इलैक्ट्रॉन रिमूव करना। जदों भी असी इलैक्ट्रॉन रिमूव करते हैं ते न्यूट्रल एटम ते गेड़ा चार्ज आ जांदा, पॉजिटिव चार्ज, कैटाइन बन जांदा। क्यों कैटाइन बनता है? तुसी 10th क्लास विच भी पढ़िया सी कि इलैक्ट्रॉन, सपोज करो किसी एटम दे विच 13 इलैक्ट्रॉन्स है, 13 ही प्रोटॉन्स होणगे, ठीक है। न्यूक्लियस दे विच हुण की होएगा? 13 इलैक्ट्रॉन दे विचों मैं जिहड़ा वेलेंस शैल वाला सी ना, 3 इलैक्ट्रॉन होंगे ना वेलेंस शैल दे विच, उस मैं एक इलैक्ट्रॉन रिमूव करता, किन्ने इलैक्ट्रॉन्स रह गए? टोटल 12 रह गए, और वेलेंस शैल दे विच 2 रह गए। और बट जिहड़ा असी न्यूक्लियस की गल करिए, उहदे विच 13 ही प्रोटोनस है। इट मीनस 13 प्रोटोनस किन्ने इलैक्ट्रॉन्स नूं खिंच रहे हैं? 12 इलैक्ट्रॉन्स नूं। इट मीनस एक पॉजिटिव चार्ज एक्सट्रा ना, सो दैट पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन द एटम, सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन। सानूं भी पता है जेड की हुंदा एटॉमिक नंबर, P number of protons, E number of electrons for a neutral atom, Z is equal to P is equal to number of electrons. Delta H, suppose करो delta H साथ देखो ionization energy है। हुन delta H बेटा सिंगे देखना है कि ionization energy दा sign की होगा। delta H दो तरह दे होंदी है, positive and negative। positive अदों जदो energy absorb होई, require होई for endothermic reactions, negative अदों जदो energy release होई जां इवॉल्व होवे फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए है, क्योंकि असी पहला भी डिस्कस किया, दिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड, चाहिए है, ठीक है। दैट्स वाई इट्स साइन इज पॉजिटिव। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।